स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। इसका नाम है कपिल भट्ट क्यूब, जहां मैं आप लोग आता हूँ क्यूब से बेहतरीन वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, वो है क्यूब इन क्यूब पीक पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी और बेहतरीन बात ये है, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करने वाला हूँ मिस्टर सच्चिकीर्त सिंह का। जी हाँ दोस्तों यार, वो हमारे क्यूब फैमिली के ही कम्युनिटी के ही एक सदस्य हैं, जिन्होंने हमें इस पैटर्न को दिया है। उन्होंने खुद ने इन्वेंट किया है, जैसे कि आप डायग्राम में आप देख लेंगे, इमेज में उनकी इमेज दे रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया पैटर्न लगा है मेरे को, और वही आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। बहुत मस्त पैटर्न उन्होंने बनाया है और मुझे दिया है, तो मैं उसको एक बार फिर से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज को आपको सिखाते हैं कि कैसे हम क्यूब इन क्यूब पीक पैटर्न बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तरह कुछ बेसिक नोटेशन हो जाए। राइट लेयर को आर शो करते हैं, लेफ्ट लेयर को एल से, अपर लेयर को यू से, डाउन लेयर को डी से, फ्रंट लेयर को एफ से, बैक लेयर को बी से, मिडल लेयर को एम से, सेंटर लेयर करते हैं सी से शो। बेसिक नोटेशन तरह कुछ साइन है हमारे पास, वो भी देख लीजिए। राइट लेफ्ट और मिड केस में अपवर्ड डाउनवर्ड एरो को यूज करना है, अपवर्ड डाउन सेंटर केस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो को यूज करना है, फ्रंट बैक और ईलर केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एरो को यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी से इस एल्गोरिथम को देख लीजिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये वर्क करती है और किस तरह का पैटर्न है। मैं बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया है यार, सच में बहुत बढ़िया पैटर्न था मुझे बनाया है। तो चलिए एल्गोरिथम लगाने से पहले आपके पास समझना चाहिए हमेशा तरह एक सॉल्व क्यूब। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अधिकतर मेरे पैटर्न्स की वीडियो बताई, मगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चलिए मैं एक बार और लेयर समझा दूँ आपको। जो मैं राइट हैंड में यूज़ कर रहा हूँ आर, जो लेफ्ट लेयर में यूज़ कर रहा हूँ एल, जो अपर में यूज़ कर रहा हूँ यू, जो डाउन में यूज़ कर रहा हूँ डी, जो फ्रंट में यूज़ कर रहा हूँ एफ, जो बैक में यूज़ कर रहा हूँ बी, बस इतने के काम है और ज़्यादा काम है भी नहीं। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आपको जो याद रखना है वो ये है कि टॉप पर लेना है व्हाइट और फ्रंट पर लेना है ग्रीन। अगेन टॉप पर व्हाइट, फ्रंट पे गेंट। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा, अंडों के केस में आपको पता चलेगा। तो ठीक है, अब ये तो चलिए फिर फटाफट से लगाते हैं इस एल्गोरिथम के। सबसे पहले क्या कहती है एल्गोरिथम, एल को दो बार ऊपर करना। एल बोले तो लेफ्ट लेयर, ये मेरी लेफ्ट लेयर है, इसको मैं एक बार ऊपर करूंगा, ये दो बार ऊपर करूंगा। डी को एक बार आगे बढ़ा दो, ये डाउन लेयर। डी बोले तो डाउन लेयर, इसको मैंने आगे बढ़ा। डी को पीछे कर दिया हमने, बी को एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए बी बोले तो बैक लेयर, जिसे मैं किस तरह घुमा रहा हूँ उसे देखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया मैंने। आर को ऊपर, आर बोले तो राइट लेयर, उसको भी ऊपर किया। डाउन को आगे, आगे और पीछे कहने में हमेशा मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए आप प्रॉब्लम ना करें, आप एरो के अकॉर्डिंग चले। तो डाउन को आगे, ये डी लेयर, इसको आगे किया। आर को नीचे, आर बोले तो राइट लेयर, राइट लेयर को नीचे किया। डाउन को फिर आगे, डी लेयर को फिर से आगे कर दिया। बी को एंटी क्लॉकवाइज, बी बोले तो बैक लेयर, और उससे फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, देखिएगा किस तरह। आर को नीचे, आर बोले तो राइट लेयर, इसको नीचे किया। बी को एंटी क्लॉकवाइज, बी का बहुत ज़्यादा यूज है यहाँ पे, बी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। आर को ऊपर, राइट लेयर को ऊपर किया। डाउन को अगेन आगे, डाउन को आगे कर दिया। बी को क्लॉकवाइज, अब बैक लेयर को क्लॉकवाइज घुमाना है, और फाइनली हमें करना है एल को दो बार ऊपर। ऊपर सोया नीचे करो, एक ही बात है, यहाँ पर नीचे लिखा है, आप ऊपर भी कर सकते हैं। चलिए नीचे कर लेते हैं, एक बार नीचे किया, ये दो बार नीचे किया है दोस्तों। और अब आप देखेंगे कि ये रहा हमारा क्यूब इन क्यूब पीक पैटर्न। तो किस तरह से बढ़िया सा दिख रहा है ना। सबसे अच्छी बात क्या है पता है, सबसे अच्छी बात ये कि इस एंगल से जो पैटर्न बन रहा है, इसका जस्ट अपोजिट से इसका कुछ डिफरेंट डिफरेंट ही पैटर्न बन जाता है, जो कि मैं शायद एक बार बता चुका हूँ, ये कुछ काइट जैसा शेप का रहता है, तो बहुत बढ़िया लुक दे रहा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। एक बार और अच्छे से देख लीजिए सब पास से, और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये हमारा क्यूब इन क्यूब पीक पैटर्न। तो एक बार फिर से सचकीर्त को हमारा थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू कह रहा आपने हमें ये एल्गोरिथम बताइए। तो चलिए एक बार जब हम पैटर्न बना लेते हैं दोस्तों, तो उसको क्यूब को हमें करना होता है, उसके एक्चुअल पोजिशन पर ले जाना होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था, क्या कहा था, व्हाइट पर, व्हाइट को टॉप पर रखना है, फ्रंट को ग्रीन में रख, ग्रीन ग्रीन को फ्रंट पर रखना है, वो था व्हाइट ऑन द टॉप, ग्रीन ऑन फ्रंट। ठीक है, और यहीं से इसी एल्गोरिथम को दो बार लगाएंगे तो पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ, इसी पोजीशन से इसी एल्गोरिथम को दो बार लगाएंगे तो पूरा क्यूब वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं एल्गोरिथम। एल को दो बार ऊपर करना है, एल बोले तो लेफ्ट लेयर, इसे एक बार ऊपर किया, ये दो बार ऊपर किया मैंने। डी को पीछे, डी बोले तो डाउन लेयर, इसे पीछे किया। बैक को एंटी क्लॉकवाइज, बैक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया मैंने। आर को ऊपर, आर बोले तो राइट लेयर, इसे ऊपर किया। डी को आगे, डी बोले तो डाउन लेयर, इसे आगे कर दिया। आर को नीचे, आर बोले तो राइट लेयर, इसे नीचे किया। डी को फिर आगे, डी को फिर से आगे किया। बी को एंटी क्लॉकवाइज, तो बी बोले तो बैक, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। आर को नीचे,
अब तो राइट ले रहे से नीचे घूमा, बी को अगेन एंटी क्लॉकवाइज, पी को अगेन एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, आर को ऊपर, आर को ऊपर किया, डी को आगे, टाउलर को आई किया, बैक को क्लॉकवाइज, इस बार देखिए बैक को क्लॉकवाइज घुमाया, बैक को क्लॉकवाइज, और फाइनली एल को दो बार नीचे, एक बार नीचे किया एल को, दो बार नीचे किया एल को। तो अब आप देखेंगे क्यूब अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी वैसा का वैसा ही है, पीछे से भी वैसा ही और आगे से भी वैसा ही है, तो कुछ करना नहीं है, फिर से चलो तुम लगा दो और पूरा पूरा क्यूब जो है वो हो जाएगा सॉल्व। तो क्या कहते हैं एल्गोरिथम, चलिए स्टार्ट करते हैं। एल को दो बार ऊपर करना, लेफ्ट लेयर को एक बार ऊपर किया, ये दो बार ऊपर किया, डाउन को पीछे, टी लेयर को पीछे, बैक को एंटी क्लॉकवाइज, बैक को एंटी क्लॉकवाइज, आर को ऊपर, राइट लेयर को ऊपर किया, डाउन को आगे, टी लेयर को आई किया, आर को नीचे, राइट लेयर को नीचे किया, डाउन को फिर आगे, डाउन को फिर आई किया, बैक को एंटी क्लॉकवाइज, बैक को एंटी क्लॉकवाइज, आर को नीचे, राइट लेयर को नीचे, बी को एंटी क्लॉकवाइज, बी बोलता बैक, इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, आर को ऊपर, राइट लेयर को ऊपर किया, डाउन को आगे, डाउन को आई करा, बोलो डी को आई किया, बैक को क्लॉकवाइज, और बैक को कर दिया हमने क्लॉकवाइज। फाइनली एल को दो बार नीचे, नीचे या ऊपर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये मैंने एल को दो बार नीचे किया और क्यूब इस तरह पूरा का पूरा हो जाएगा सॉल्व। तो इस तरह इस क्यूब को पैटर्न को बनाते हैं दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और अगर आपको ये एल्गोरिथम पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइएगा वाकई आपको ये क्यूब पैटर्न और एल्गोरिथम कैसी लगी है। तो अब तो मैं टिकटॉक और फेसबुक पर भी आ गया हूँ, तो अभी तक आपने नहीं फॉलो किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो, और अब तो मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ यार, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।